हेलो बडीज, और पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो गया है बीबीसी आई प्लेयर पर। और इस एपिसोड देखते ना मैं यही होगा, मैंने आई थिंक प्रीवियस एपिसोड को ही कहा था कि एपिसोड नंबर 5 जो है पूरे इस सीजन 6 का मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड है। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला एपिसोड पसंद आया, और उसकी सबसे मेन वजह ये थी क्योंकि ये वाला एपिसोड जो है ना करेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस था। मतलब जो लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कि हमें पीकी ब्लाइंडर्स में एक चीज़ मिस हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, और सबसे जो मेन चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो एपिसोड हमें ये वाला देखने को मिल रहा है। तो यस, इस एपिसोड के बाद ये कंप्लेन नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा फास्ट एपिसोड था ये वाला। तो इस वीडियो में हम पीकी ब्लाइंडर्स एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये वाला कैसा एपिसोड था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे थॉमस शेल्बी ने, जो उसकी बेटी रूबी पे जिसने कर्ज किया था उसको थॉमस शेल्बी ने मार दिया, और एंड में हमें ये पता लगा था कि कैसे थॉमस शेल्बी को भी एक डिजीज़ है उसके बैक ऑफ द नेक पे। और इस एपिसोड की बात करूँ, मैंने जैसे कि कहा ये वाला एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। ये मतलब प्रीवियस एपिसोड्स में तो हो रहा था ना कि एक ही स्टोरी थी, एक ही पॉइंट था, उसी के इर्द गिर्द हमें सब कुछ देखने को मिल रहा था, मगर इस एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली है। स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी एक शॉप बन या आप उसको एक पब भी कह सकते हैं उसमें जाता है, और वहाँ पर वो जाने का उसका ये मकसद होता है क्योंकि वहाँ के जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्होंने आर्थर शेल्बी को ओपियम दिया हुआ होता है। आप लोगों को पता होगा एक ड्रग का नाम है ये। आप जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि आर्थर शेल्बी जिस दुकान में सबको मारने लगा था, कैसे अजीब अजीब हरकतें करने लगा था बिल्कुल साइको की तरह, तो ये सी एम एन वहाँ पर रीज़न थी। तो थॉमस शेल्बी दुकान में ये जाते हैं वहाँ पर ये बोलने कि आज के बाद तुम सिर्फ जो है जो आप लोगों की जो मेन चीज़ें वही बेचोगे, टी और केक्स, उसके अलावा ओपियम बिल्कुल भी नहीं बेचोगे। और यहाँ पर वो अपनी पार्लियामेंट वाली कॉन्स्टर पावर का यूज़ करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा कैसे वो पॉलिटिक्स में भी है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही चीज़ देखने को मिल गई। और अगर थॉमस शेल्बी को ही सिर्फ ओपियम चाहिए तो वो तो वैसे भी सिंपली कहीं से भी ले सकता है क्योंकि उसको तो हर कोई वहाँ पर दे सकता है क्योंकि हर कोई उसको वहाँ पर जानता है। तो ये हमें स्टार्टिंग में ये एक चीज़ देखने को मिली है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग भी देखते हैं हमें, आई थिंक हाँ इस सीज़न में पहली दफ़ा ये हमें फैमिली मीटिंग देखने को मिली थी। और इस फैमिली मीटिंग में ऑफकोर्स हम सब आंट पोली को मिस कर रहे थे, जिनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है फैमिली मीटिंग में। और इस फैमिली मीटिंग में सबसे पहले तो हमें थॉमस शेल्बी का जो इनका सबसे छोटा भाई फिन शेल्बी भी देखने को मिल जाता है। आप लोग भी काफ़ी दफ़ा पूछ रहे होंगे यार फिन शेल्बी का है, तो इस हमें वहाँ पर वो देखने को मिल जाता है। और सिर्फ हमें वही नहीं देखता, हमें उसकी वाइफ भी वहाँ पर वो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आई डोंट थिंक फिन शेल्बी का कोई इतना मेजर रोल होगा आने वाले एपिसोड्स में। सबसे मेन थिंग इस मीटिंग का मकसद अपने जो आप लोग हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था उसका, कैसे एक इलीजिटमेट सन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना था, और वहाँ पर वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी फैमिली से। और यहाँ पर मुझे रिएक्शन देखना था कि कैसे इनकी इसकी फैमिली का कैसा रिएक्शन होता है, ख़ासतौर पर रिजी का और इसकी सिस्टर एडा का। और इनके देख जब उसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये भी मेरा एक जो है सन है, और उसके बाद ऐसा रिएक्शन लग रहा था कि भाई उनका तो कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ये कौन है, थॉमस शेल्बी जो भी करे। हाँ रिजी पे हम कह सकते हैं ऐसा लग रहा था यार कोई बिल्कुल भी नहीं केयर करता उसके बेटे के बारे में कि कौन है ये, कहाँ से आया है। तो वैसे ये मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था, मुझे लगता है कि ना हमें काफ़ी अच्छा सा जो है ना रोल देखने को मिलेगा इसके बेटे का, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट एपिसोड था, अगला इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। और यहाँ पर हम ये देखें कैसे वो आर्थर शेल्बी से कहते हैं कि इसको भी फिक्सिंग यानी बैट्स वाले बिजनेस में ले जाओ। आप लोगों को पता होगा नहीं पता तो पीकी ब्लाइंडर्स जो है बैट्स यानी मैचिंग फिक्स करने का भी काम करते हैं फुटबॉल के मैचेस का, कि जो फुटबॉल के मैचेस हो रहे होते हैं उनके ये लोग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने ड्यूक बेटे को भी वहीं पर नहीं लगा देता है कि ये भी वो वाला बिजनेस संभालेगा। और यहाँ पर बिजनेस की बात हो ही रही है तो यहाँ पर मैं आर्थर शेल्बी की बात करूँगा। फाइनली हमें आर्थर शेल्बी वही देखने को मिल गया जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। यार ये जो इस एपिसोड में आर्थर शेल्बी था ना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था यार, ये वाला आर्थर शेल्बी जो है ना हमें देखने को मिलना चाहिए। पता नहीं कहाँ गायब था ये वाला आर्थर शेल्बी इतने टाइम से। तो ऐसे हमें फाइनली वो वाला आर्थर शेल्बी देखने को मिल गया अग्रेसिव वाला। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि वो लोग मैच फिक्स करने का काम करते हैं, डिफरेंट मैचेस फिक्स करते हैं। और वहाँ पर जब एक रेफरी मैच फिक्स नहीं कर रहा होता, हम ये देखते हैं कि कैसे आर्थर शेल्बी वाले स्टाइल में ही बिली ग्रेड को कहता है उस रेफरी को मारने का। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को बिली ग्रेड का नहीं पता ना, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इस एपिसोड में हमें एक ये चीज़ पता लग जाती है। मैं आप लोगों को आगे जाके हमें पता लगी थी, मैं प्रीवियस बता रहा हूँ, और हो सकता है आप लोगों ने वाली चीज़ नोट ना की हो, मगर ये हमें बहुत डीपली मीनिंग में पता लगी थी।
आप लोगों को याद था कि सीजन 5 की एंडिंग में किसी ने बिट्रे किया था थॉमस शेल्बी को ऑक्सफोर्ड मोजरी को मारने से, कि वो ऑक्सफोर्ड मोजरी को ना मार सके। यस, आप लोगों को भी कह रहे होंगे वो तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी। यस, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी तो थी, मगर उनको भी किसी ने वहाँ पर आगाह किया था कि थॉमस शेल्बी ये काम करने जा रहा है, और वो आदमी था कोई और नहीं बल्कि बिली ग्रेड। यस, ये वही आदमी जो कि पीकी ब्लेंडर्स की मदद करता है फुटबॉल के मैचेस फिक्स करवाने में, उनकी जो मदद करता है। हमें ये भी काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ पता लगी कि इसी ने मेन बिट्रे किया था थॉमस शेल्बी को। अब मज़ीद हमें आगे जाके इसके बारे में पता लगेगा, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मतलब जहाँ तक मुझे पता लगा है इस एपिसोड देखने से, यही वो आदमी है जिसने वन ऑफ द मेजर रोल था थॉमस शेल्बी को बिट्रे करने का। और यहाँ पर आर्थर शेल्बी बिली ग्रेड को जो है बिली ग्रेड को कहता है उस रेफरी को मारने के लिए, क्योंकि वो रेफरी की बात नहीं मान रहा होता ना फुटबॉल मैच फिक्स करने के लिए, तो वो बिली ग्रेड को उसको मारने को कहता है, और वहाँ पर बिली ग्रेड उसको मार भी देता है। यहाँ पर बिली के चेहरे में देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है, मतलब वो कहते हैं ना अलग सा फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था उस रेफरी को। तो यस, ये भी हमें काफ़ी से एक चीज़ देखने को मिल गई। और इस पूरे एपिसोड का मकसद ना आर्थर शेल्बी का करेक्टर डिवेलप करना था, जो हमें ये पूरा सीन दिखाया गया है कि फुटबॉल मैच वो रेफरी नहीं फिक्स कर रहा, यहाँ पर आर्थर शेल्बी के करेक्टर को दिखाना है जो कि फैंस डिमांड कर रहे थे, देखना चाहते थे। तो उन लोगों ने एपिसोड 5 के लिए चीज़ बचा के रखी हुई थी। और यहाँ पर आर्थर शेल्बी, जैसा कि हमें बोला, हमें वैसे ही पीकी ब्लेंडर वाले स्टाइल में देखने को मिला है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें पता लगती है कि यहाँ पर हमें लिंडा भी देखने को मिलती है। लिंडा वही है जो कि आर्थर शेल्बी की वाइफ होती थी। यहाँ पर थॉमस शेल्बी लिंडा को एक चीज़ ऑफर करता है कि लिंडा की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, जिससे लिंडा को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके लिए लिंडा को सिर्फ एक चीज़ करनी होगी कि आर्थर शेल्बी को सही करना होगा, मतलब जिस मेंटल और जिस फिजिकल स्टेट में इस टाइम है उसको सही करना होगा। और फॉर्चुनेटली लिंडा ये वाली चीज़ मान भी जाती है। और यहाँ पर हम आज देखते हैं भी कैसे लिंडा आर्थर शेल्बी से मिलती है, जिसकी उसमें मदद भी कर रही होती है उसकी, मतलब उसकी शेप ठीक करने में, उसको फॉर्म उसकी ठीक करने में आर्थर शेल्बी की। मगर इस पूरे एपिसोड में ना थ्रू आउट में आर्थर शेल्बी के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, मुझे वाला कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हम ये भी देखते हैं कैसे जो पूरा सिनेरियो होता है उस रेफरी को मारना, और वहाँ पर उसी जगह पर वहाँ पर थॉमस शेल्बी का बेटा यानी कि ड्यूक भी खड़ा होता है, क्योंकि अब थॉमस शेल्बी ने उसको भी इस बिजनेस में लगा दिया। वो सब भी यही कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं उसको बिल्कुल भी अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही होती, जिसके बाद वो थॉमस शेल्बी के पास जाता है और वो वहाँ से जाने का कहता है। और कंक्लूजन में ये देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी जो उसको एक और जॉब ऑफर करता है, आप लोगों को पता हो कैसे वो कार का भी काम करता है, कार अपार्टमेंट्स कहने की कार मैकेनिज्म का भी वो काम करता है, और वो अपने अंकल के साथ। यस, हम ये भी काफ़ी ज़्यादा एक जो मेजर चीज़ देखते हैं। और यहाँ पर मैं थॉमस शेल्बी और ड्यूक के बारे में बात करूँ ना, इनका मुझे काफ़ी कूल सा रिलेशन देखने को मिल रहा है। एक ऐसा रिलेशन, मतलब थॉमस शेल्बी जिस वे में उसे बात करता है, हम ये देख रहे हैं कि कैसे उसे काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, ऑफकोर्स जो उसका बेटा है, और उसको प्रॉपर उतनी ही चीज़ें दे रहा है जो कि वो अपने भाइयों को देता है, मतलब उसको उतना ही शेयर दे रहा है जो थॉमस शेल्बी में जो डिफरेंट अपने इंडिविजुअल यानी कि डिफरेंट अपने फैमिली मेम्बर्स को देता है। यहाँ पर हमें स्टीफन का कैरेक्टर हेडन ब्रैग भी देखने को मिलता है, जिसको हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था। और यस, ये वही कैरेक्टर है जिसने आर्थर शेल्बी को एक बहुत बड़ी स्पीच सुनाई थी। और यहाँ पर थॉमस शेल्बी इसके पास ये आता है उसको ये कहने कि बोस्टन से एक शिप आ रहा है जिसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा गन्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स वगैरह, यानी कि उस शिप में काफ़ी ज़्यादा गन्स वगैरह हैं। और वहाँ पर वो उसको ये काम देता है ग्रे को कि उस बिल्कुल भी जो शिप है जितनी भी चीज़ें उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बिल्कुल सेफ रखना, क्योंकि वो सब एक कीमती सामान है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यस, वहाँ पर उसको यही मेन चीज़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे ब्रैक की ईगो भी सामने आ जाती है, वो थॉमस शेल्बी से कहता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि तुम थैंक यू या मतलब तुमसे कुछ सॉरी कहे, जिस पे उसको भी जवाब मिल जाता है कि थॉमस शेल्बी से बात करने का तरीका क्या हो सकता है। और यस, हमें जैसा कि पता है कि उसको अंकल जैक की तरफ से बोस्टन से इजाज़त मिल गई है कि वो बोस्टन से बिजनेस अपना कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो यस, यही हमें इसलिए मेन चीज़ देखने को मिली कि बोस्टन से ही उसका वो वाला शिप आ रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गन्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर मैं बिली ग्रेड के सीन के बारे में बात करना चाहूँगा। यस, बिली ग्रेड हमें जो देखने को मिलता है, जिसने ही हम देखते हैं कि हमने देखा था कि कैसे प्रीवियस सीन में उसने एक कैसे एक रेफरी को मारा था, और इस सीन में हम ये देखते हैं कि कैसे अंकल जैक बिली ग्रेड के पास पहुंच जाते हैं, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और यहाँ पर अंकल जैक बिली ग्रेड को ये कहते हैं कि तुम अब से मेरे लिए काम करोगे, और वहाँ पर जो तरीका अपनाते हैं वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो बिल्कुल हाँ कर देता है, ऑफकोर्स उसको करना भी पड़ता है। और यहाँ पर हमें अंकल जैक का मेन करतूत पता लग जाता है, वो यहाँ पर थॉमस शेल्बी के साथ क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ पर वो बिली ग्रेड को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो वाली इन्फॉर्मेशन देगा जिससे वो आर्थर शेल्बी को मार सके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अंकल जैक की, उनका वहाँ ये मिशन होता है कि थॉमस शेल्बी को मारना। यस, ये हमें काफ़ी ज़्यादा जो है
मेन चीज पता लग गई है यहाँ पर। यस, इस पूरे सीजन का हम लोग मेन विलन अंकल जैक को ही कहेंगे, क्योंकि अब से जो हमें का मेन चीज पता लग गई, क्योंकि उनका यहाँ पर यही मेन मिशन है कि थॉमस शेल्बी को यहाँ पर मारना। क्योंकि अब यह हमें पता है कि अंकल जैक का बिजनेस अब खत्म होने वाला है, अब वो वापस वहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका, और वो जाते जाते जो है ये अपना काम करना खत्म करना चाहते हैं। और वो ये क्यों करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक तो गीना ग्रे और दूसरा माइकल ग्रे, ये तो ऐसे इंसान है जो कि हम कह सकते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैन्युपुलेट करते हैं अंकल जैक को। और सिर्फ मैन्युपुलेट ही नहीं, क्योंकि हमें पता है उसने माइकल ग्रे के अकॉर्डिंग उनकी जो आंट पोली उसकी डेथ के रीज़न जो है थॉमस शेल्बी ही है। तो यस, ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। थॉमस शेल्बी ने अभी तक लीजी को नहीं बताया कि उसको जो है डिजीज़ है, उसको एक बीमारी इस टाइम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे वो टैबलेट्स खा रहा होता है, तो लीजी उसे पूछती है, वो बिल्कुल ही डिनायल में चला जाता है, वो उसको बिल्कुल भी सच नहीं बताता। और यस, थॉमस शेल्बी के रिस्पेक्ट से बिल्कुल सही भी है, वो नहीं भी बताना चाह रहा उसको जो मेरे साथ उसके साथ इस टाइम सिचुएशन चल रही है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ के बारे में आ जाते हैं, जब थॉमस शेल्बी ऑजर्ड मोजली और यहाँ पर अंकल जैक एक डिनर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि कैसे थॉमस शेल्बी अंकल जैक के साथ कैनेडा जाएगा, क्योंकि उसने जो वहाँ पर बिजनेस किया उसकी पेमेंट को रिसीव करने। और वहाँ पर हमें सिर्फ वो तो इस टाइम वो नहीं बताते, मगर वहाँ पर जो थॉमस शेल्बी बेइज्जती कर देता है उन सब की टेबल में कि मेरी वाइफ इसलिए यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि वो तुम लोगों के साथ जो है बैठी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कूल जोक देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर एंडिंग सीन में ये देखते हैं कि एक आदमी माइकल ग्रे के पास आता है और उसे एक सवाल पूछते हैं, मगर माइकल ग्रे पहले ये जवाब दे देता है, यस माय इंटेंशन इज़ टू किल थॉमस शेल्बी। तो यहाँ से पूरे एपिसोड का कंक्लूजन ये निकल जाता है कि अभी तक हमें यही पता लग गया है अंकल जैक माइकल ग्रे के साथ थॉमस शेल्बी को मारना चाहते हैं। उनका मेन मिशन ये है कि जब थॉमस शेल्बी कैनेडा जाएगा तो वहाँ पर माइकल ग्रे भी पहले से मौजूद होगा, और वो वहाँ पर मारेगा थॉमस शेल्बी को, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है इस पूरी ज़िंदगी की, क्योंकि अब तो आंट पोली भी नहीं है, तो आई थिंक थॉमस शेल्बी बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं करने का उसको मारने से। अंकल जैक का तो ना मुझे कन्फर्म ही लग रहा है कि ना अंकल जैक की डेथ जो है ना थॉमस शेल्बी के हाथों से ही होगी। और ऑजर्ड मोजली की बात करो, मुझे इस एपिसोड में उनका कोई इतना मेजर रोल नहीं देखने को मिला। तो इस पूरे एपिसोड के बारे में बात करूँ, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आपने भी इंजॉय किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।